हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक और नई रेसिपी के साथ दोस्तों। चलिए, तो मैंने यहाँ ले लिए है एक बाउल मैदा। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इधर ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इधर 2 चम्मच डाला है घी। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। इधर आधा कटोरी मैंने पानी ले लिया है। जिस बाउल से मैंने मैदा लिया था उसी बाउल से मैंने हाफ कटोरी पानी ले लिया है। तो आप देख लीजिएगा, पानी अपने हिसाब से लगाइएगा। जितनी मैदा लीजिएगा, डो हमें टाइट लगाना है, लूज नहीं लगाना है। जो समोसे का जो आटा होता है जिस तरह से, उस तरह से हमें डो लगाना है दोस्तों। तो हम बनाने जा रहे हैं समोसे, वो भी मसाले वाले मिनी समोसे, जो हल्दीराम के दोस्तों होते हैं ना जो पैकेट में, उस तरह से बनाएंगे। तो आप लोगों मेरी रेसिपी प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। आप लोगों मेरी रेसिपी अच्छी लगे, ठीक लगे, मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। गरम आटा लगा लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालें, धीरे से मतलब गूंथें, पूरा पानी एक साथ ना डालें। और अगर घी कम लगे, जैसा कि मैंने दिखाया आप लोगों को, आटे की जो मुट्ठी है, मुट्ठी में आटा समेट के और लड्डू बनने लगे इस तरह से, है ना, इस तरह से घी आप उस हिसाब से डालिएगा कि आपका आटा बाइंड होने लगे, तब आप गूंथिएगा। इधर आटा हमने रेस्ट करने रख दिया है। इधर ले लिया है एक बाउल, इसमें ले लिए कोई भी नमकीन आपके पास जो पड़ी हो या आपको अच्छी लगती हो, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो। मैंने मिक्स ले लिया है, हल्दीराम का है। तो इसको क्या करेंगे, आप एक बाउल में निकाल लेंगे। आपको जो भी अच्छी लगती हो, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी नमकीन पसंद हो, आप मूंग दाल भी ले सकते हैं, उसके भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मूंग की दाल के भी बनते हैं दोस्तों, कभी वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। ये मूंगफली है तो हमको ग्राइंड करना पड़ेगा मिक्सर में थोड़ा सा इसको। इधर देखिए, मैंने ले लिया आलू भुजिया। इधर मूंग दाल भी ले लेंगे, छोटा पैकेट है। सबका फ्लेवर मिक्स हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। सो आप किसी कैसे भी बना सकते हैं। इधर हमने मिक्सर का जार ले लिया है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे हल्का सा, बस एक बार चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको महीन नहीं करेंगे, पाउडर नहीं बनाएंगे। इधर हमने ले लिया है बेसन का चटपटा सेव, तो थोड़ा सा डाला है, करीब मतलब पूरा मिला के एक बाउल था हमारे पास, सबको मिक्सचर को मिला के। देखिए मैंने थोड़ा सा चला के इसको, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा है। इधर हम तेल ले लेंगे फ्राई पैन में। फ्राई पैन में तेल लेने के बाद दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप भुना जीरा डालते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी, बाद में आपको दिखाया, बाद में डाला मैंने। इधर जीरे के साथ और हींग जरूर डालिएगा दोस्तों, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है समोसे के अंदर। इधर मैंने खड़ा धनिया डाल दिया थोड़ा सा, ये देखिए भुना जीरा मैंने डाल दिया था लेकिन स्किप हो गई है वीडियो में, ऐड नहीं हो पाई है दोस्तों, मैंने जब वीडियो डाला तो बाद में मैंने देखा है। सो आप भुना जीरा भी इसके साथ डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। हींग तो बहुत हींग का फ्लेवर तो इतना ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा इसमें। हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बहुत देर तक मतलब नहीं इसको करना है। और काला नमक डाल देंगे हल्का सा। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें नींबू का रस ना डालिएगा, खट्टे के लिए हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। तो अगर स्टोर करके रखना है आपको लंबे समय तक, क्योंकि ये हल्दीराम के समोसे जिस तरह से दिए जाते पैकेट में रहते हैं, उसमें नींबू अगर रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा, तो नींबू का रस वगैरह ना डालिएगा। अगर आमचूर हो आपके पास, सूखा पाउडर देखिए मैंने डाला है, 2 चुटकी भर के मैंने डाला है इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना आपको खट्टा पसंद है, जैसा भी आपको पसंद है।
आपको मीठा अगर लग चाहिए थोड़ा फ्लेवर इसमें, तो थोड़ा चीनी पीस, जो चीनी का पाउडर होता है, चीनी थोड़ी सी पीस के एक चम्मच चीनी का पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले थे, काजू और बादाम आप देखिएगा, काजू और वो किशमिश, सॉरी काजू डाल दीजिएगा, किशमिश डाल दीजिएगा, आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं आप बादाम भी डाल सकते हैं। वैसे काजू और किशमिश ही इसमें ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है इसमें, सो इसको हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। आप ये काजू और किशमिश भी अगर रोस्ट करना चाहें, मतलब हल्का सा फ्राई करना चाहें इसको घी में, तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से डाल दिया था, आप अपना देख लीजिएगा आपको जैसा ठीक लगे दोस्तों, सभी तरह से बना सकते हैं। वैसे भी घर में रहने वाले कहाँ हैं, बहुत दिन तक स्टोर करके नहीं रह सकते, बच्चों वाले घर में नहीं रह पाते हैं, सब चीज़ें बनती है ख़त्म होती है। ये देखिए मैंने आटा जो रखा था रेस्ट के लिए, आटा हमारा रेस्ट कर चुका है दोस्तों, इसका हम एक ब्लॉक निकाल लेंगे और रोल बना लेंगे लंबा, और इसमें छोटे छोटे हम क्या करेंगे, लोई काट लेंगे, नाइफ से बराबर काटिएगा तो बराबर समोसे बनेंगे छोटे छोटे। देखिए बाकी हम सब उठा के रख देंगे और एक एक करके धीरे धीरे बना लेंगे। ओवल शेप हमको देनी है दोस्तों समोसे की शेप में, जैसे ओवल रहेगी तो समोसे की शेप अच्छी आती है। ये देखिए मैंने इस ओवल शेप इसको दे दी है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको चाकू से कट करेंगे। पानी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये कप में पानी है, सो थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, या पानी में थोड़ा मैदा अगर मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं आप। वैसे पानी काम कर ले, पानी से भी काम चल जाता है, क्योंकि हमें खाली गीला करना है मैदा को, मैदा तो मैदा से ही तो बना रहे हैं। आप आटे से भी दोस्तों बना सकते हैं समोसे, लेकिन आज मैंने मैदे से बनाए थे, बच्चे कह रहे थे मम्मी बिल्कुल वैसे ही बनाइए आप जिस तरह से हल्दीराम के निकलते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ, अगर वैसे बन पाते हैं तो ठीक है। इधर दोस्तों मेरा कैमरा बहुत गड़बड़ कर रहा था, सो लाइट कम हो रही है, रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं पड़ रहा है उसका, लाइट का क्यों गड़बड़ कर रहा पता नहीं, इसलिए मेरी वीडियो देर से आई है दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की आप लोगों को अच्छे से, ये पानी हम चारों तरफ से लगा देंगे इसमें, और उसमें जो इसके देखिए मैंने किस तरह से इसको कोन की शेप दी है दोस्तों, छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखिए कोन की शेप, ठीक है, और छोटी सी मतलब फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं इसमें भरनी, थोड़ी थोड़ी भरनी है, ज़रा ज़रा सी खाली, बस ये टक हो जाए समोसे। देखिए इसका एक फोल्ड और दे दीजिए, शायद तो आप ऐसे भी चिपका सकते हैं, और एक बीच में फोल्ड भी दिया जाता है समोसे में, आपने देखा होगा, तो ये मेरा कैमरा फोकस नहीं सही से कर रहा था, अच्छे से मैं बताने की आपको कोशिश तो पूरी की है दोस्तों, लेकिन कह रहे हैं ना कि इसमें गड़बड़ हो रही थी कैमरे में, इसीलिए आज पूरे दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाई, इसमें अपलोड नहीं कर पाई है, एडिटिंग में बड़ी दिक्कत हुई दोस्तों, सो प्लीज़ थोड़ा समझिए मेरी दिक्कत को। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है पूरा, अच्छे से इसको कवर कर देंगे, पानी से क्या है ये हमारे तेल में जाके या घी में जिसमें भी आप सेकें उसमें खुलेंगे नहीं जाके, ठीक है, मसाला बाहर नहीं आएगा निकल के। ये देखिए अच्छे से फिल हो गए हैं, बढ़िया से मैंने चिपका दिए हैं, ये देखिए इस तरह से हम सेक लेंगे, मतलब इस तरह से बना लेंगे, सॉरी इस तरह से सारे बना के रख लेंगे। दोस्तों बना के ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने बनाए हैं और आप लोगों को कैसे लगे इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाए हैं, आपको जिस तरह से बनाना है सिंपल तरीका, और भी तरीके बहुत सारे होते हैं मूंग दाल के बनाने, तो मूंग दाल थोड़ी सी आप धुली हुई जो मूंग दाल होती है उसको सोक कर दीजिए 2 से 3 घंटे, और पानी निकाल के हल्का सा उसका मॉइस्चर सुखा लीजिए, सुखाने के बाद
कढ़ाई में आप घी में उसको भून लीजिए दाल को, तब भी समोसे बन सकते हैं दोस्तों। आप अगर नमकीन के ना बनाना चाहें, हल्दीराम की नमकीन या कोई भी नमकीन के ना बनाना चाहें, तो मूंग दाल के समोसे बहुत अच्छे, वो भी अच्छे लगते हैं दोस्तों। उसमें भी आप मसाले अपने घर के मसाले पिसे हुए और चीज़ें डाल के बना सकते हैं, फ्लेवर अच्छा सा हो सकता है। वो भी शेयर करूँगी दोस्तों मैं आपके साथ। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मैं आप लोगों के लिए और भी आगे आगे वीडियो लाती रहूँगी और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगी। सो दोस्तों देखिए मैंने ये समोसे सारे बना के कढ़ाई में, मैंने सरसों के तेल में दोस्तों सेके थे, फ्राई किए थे। अगर आप चाहें तो रिफाइंड में भी कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे मिनी मिनी समोसे, बनाने में समय लगता है 10 से 15 मिनट लगते हैं, मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। ये देखिए दोस्तों क्रिस्पी एकदम, मसाला देखिए इसमें बिल्कुल टेस्टी, समोसे बहुत अच्छे बने थे दोस्तों। प्लीज़ बना के देखिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।